अपॉन दिस पर्टिकुलर बिटिंग कंसेप्ट. आप देखिए हमारे पास बेसिक रिलेशनशिप जो है डॉट प्रोडक्ट में, वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वेक्टर. ठीक है बेटे, जब आपको ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए गए हैं तो आपका एंगल थीटा जो है दिस इज इक्वल टू बी 90 डिग्री बेटा, और आप डायरेक्टली लिख पाओगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया बेटा. तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आप ये दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली पिक कर लीजिए. आपके पास टू आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस के कैप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आपने लेना था आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू जीरो. अब आप जब डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट करोगे, डॉट प्रोडक्ट को आई वाली ये जो टर्म है इसको ये तीनों के साथ आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जे वाली को, फिर के वाली को. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि अगर आई को आई से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो दैट विल बी वन यूनिटी, और अगर आई को जे से करोगे तो जीरो आएगा, आई को के से करोगे तो भी जीरो आएगा. सो मैं डायरेक्टली बेटे आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इट विल बी टू इंटू वन, दिस इज सिंपली टू. ये जे वाली टर्म है इसको जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया. एन इंटू माइनस वन, दिस इज माइनस एन बेटा. के वाली टर्म आपकी वन है, वन को वन से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू जीरो बेटा. सो ये आपके पास थ्री माइनस एन इज इक्वल टू जीरो एंड एन इज इक्वल टू थ्री बन गया. तो इस तरीके से बेटे हमने किया था. आई होप समझ आ गया होगा बेटे अब आपको. अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर. इसके बाद एक हमारा बेटे छोटा सा टॉपिक पेंडिंग पड़ा था, दैट वाज आई थिंक फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेटा. आइए इस पे फोकस करें, कंसंट्रेट करें. फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमारा क्या मीनिंग है बेटा? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. आपको कोई भी दो वेक्टर्स बेटे गिवन है, आपने उनका डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस. इमेजिन करिएगा आपके पास बेटे ये एक ए वेक्टर है, आपको इन एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर आपको दे रखा है बेटे, और आपको एक बी वेक्टर दिया गया है. इट इज समथिंग लाइक दिस, और आपने ये ओरिजिन है और दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल जो है दैट इज गिवन टू बी थीटा. ठीक बेटा, आप क्या करिए बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकाल लीजिए, इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लो. आपने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस इज राइट एंगल. ये अगर आप देखोगे तो इट विल बी बी कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा. अगर मैं बी कॉस थीटा को ए से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, आई विल बी सेइंग दैट बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका जो है ए बी कॉस थीटा हम लिखते हैं जनरली बेटा. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए इंटू बी कॉस थीटा, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक ही बात है. और ये बी कॉस थीटा क्या है बेटा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. सो वी कैन से दैट बेटा डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए वेक्टर तो चलो आपका एस एच आ गया, मल्टीप्लाइड बाय बेटे कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर बेटा. सो इन दिस वे बेटे आप इसको समझ सकते हो. एक और भी बेटे तरीका है, उसमें आप क्या कर लेंगे, आपके पास एक ये आपको बी वेक्टर दे रखा है,
एंड लेट अस इमेजिन ये आपको ए वेक्टर दे रखा है। मैं सेकंड सिचुएशन की बेटे अगर बात कर लूं तो आप क्या करिए, इनके बीच में एंगल थीटा ज्यूम कर लो बेटा, एंड फर्दर मोर मान लो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बी वेक्टर पे, ये राइट एंगल हमने बना लिया यहां पे। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट से स्प्लिट कर लेंगे, बी को नहीं करेंगे, इसका कंपोनेंट अलोंग द बी वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में इट विल बी ए कॉस थीटा। अच्छा बेटे ये साइन थीटा किस तरफ होगा, कैन यू टेल, ये देखिएगा ये इस तरफ हो जाएगा, मैं बना नहीं रहा था उसको, इट विल बी ए साइन थीटा, और अगर इधर देखें इधर आपका बी कॉस थीटा इधर था तो बी साइन थीटा किधर होगा, अपवर्ड, यस, तो ये आपका बी साइन थीटा इधर चला जाना था, हमने बनाया नहीं, हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं बनाया बेटा। इस केस में जरा फोकस करिएगा, अब आप अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कह दूं पुत्र, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है ये बी ए कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। अब ये ए कॉस थीटा वाली टर्म को देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सो हम इसको ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर तो ऐसे ही है, इट इज मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बेटा। तो इसका मीनिंग बेटे एक और भी हमें समझ में आता है अगर हम उसको और इसको कंपेयर कर दें, कि आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपका बराबर आ जाता है, वी कैन आल्सो जस्टिफाई दिस टर्म फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बेटा। समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को बात बेटा, जैकलिन बेटा क्लियर है, नमन सहज, चलें आगे। अब इसके बाद बेटी मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर क्या है। अच्छा बेटी एक बात और मैं आपको कहनी चाहूंगा कि ये चीज प्रैक्टिस की है, जितना ज्यादा आप रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम्स को करोगे उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट पे कमांड होगा, भागम भाग में करेंगे तो फिर हमें वो चीज जो है वो नहीं मिल पाएगी। कोशिश करिए कि रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप करके देखें, मैं भी करवाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैंने करवाऊंगा नहीं, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हम कलेक्टिवली बेटा एक दिन प्रॉब्लम कर लेते हैं, देन फिर प्रोजेक्ट आई पे आ जाएंगे, एक ही पीरियड का हमारा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सो आइए बेटे देखें, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बेटा, आइए इसके बारे में सोचें जरा, क्रॉस प्रोडक्ट इसको बेटे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते, वेक्टर प्रोडक्ट, ये बेटे डॉट प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप इंडिविजुअल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आ जाता है, उसमें हमें रिजल्टेंट वेक्टर स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में मिला था, वेक्टर नहीं मिला था डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज वाई वी सेड दैट कि वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें जब आप क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे दोनों का, आपका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इन द वेक्टर फॉर्म। सो इमेजिन कर लीजिए, मैं पहले थोड़ा आपको गाइड कर दूं फिर लिखता हूं इसकी बेटा स्टेटमेंट, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका मान लो बेटा, लेट मी रीड ऑल दिस, लेट अस से दैट बेटा ये आपका ए वेक्टर है एंड लेट अस से दैट दिस इज विद ए बी बी वेक्टर, दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल थीटा हमने ये मान लिया, एंगल दो है दोनों के बीच में, एक बार भी होगा वो बड़े वाला एंगल होगा वो नहीं लेना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब आप दो वेक्टर्स कंसीडर किए हुए हैं इनका प्रोडक्ट ले लीजिए अलोंग विद द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बेटा ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट
of magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between them. तो आइए देखें, आपके पास ये दो वेक्टर्स जो आपको गिवन है बेटा, जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे आपके पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो ए सॉरी यहाँ पे क्रॉस आएगा बेटा, जो ए और बी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के ये जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर बन गया है, हमें कैसे पता वेक्टर है? इस एन कैप से। ये जो आपका राइट साइड पे वेक्टर है ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब हमने इसकी डायरेक्शन कैसे बतानी है कि ये जो, इसको मैं सी वेक्टर कह दूं बेटा, लेट इट बी सी वेक्टर बेटा। और सी वेक्टर की खास बात ये है कि ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा उसके लिए बेटे हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज किया करते हैं। नमन, व्हाट इज राइट हैंडेड स्क्रू बेटा? कभी देखा आपने? आपने कभी देखा? बिल्कुल ठीक जैकलिन, नहीं देखा। राइट हैंडेड स्क्रू बेटा, हाँ जी बेटे, आप लोगों ने देखा होगा बेटे स्क्रू ड्राइवर के साथ, कई बार आपने स्क्रूज को टाइट या लूज करते हो घर पे, हमें कई बार कई चीजों की मरम्मत करनी पड़ जाती है। मैं स्क्रू का डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये चीज आपने कभी देखी है कि नहीं। This is your screw. बताइए ये देखा है? नट बोल देते हैं पंजाबी में इसको। इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ आप टाइटियां लूज कर लेते हो। आपने कभी नोटिस किया कि स्क्रू ड्राइवर को आप राइट साइड पे घुमाते हैं? जब आप टाइट करते हो तो राइट साइड के क्लॉकवाइज सेंस में आप उसको रोटेट करते हो। जब आप इसको बेटे राइट साइड पे रोटेट करोगे तो ये आगे को जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल यहाँ पे कैसे लगेगा आइए जरा देखें। आप अपना राइट हैंड होल्ड करिए विद द फिंगर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स द बी वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल। ये देखिएगा, ये आपका ए वेक्टर था, ये मेरा राइट हैंड है, मैंने अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ मोड़ दिया, जिधर छोटा एंगल बना हुआ उधर से, तो मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है बेटा। सो आपका जो सी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट विल बी बिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोर्ड आपका टू डायमेंशनल है, मैं थ्री डायमेंशनल बात कर रहा हूँ, जरा समझ लीजिएगा इसको भी। देना बेटे बेटा ये भी दे, जरा ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा। ये मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, आपकी तरफ डायरेक्टेड है, ये बी वेक्टर है, ये भी इसी प्लेन में है, ध्यान से देखिएगा जरा, आई होप इट इज क्लियर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमने सी वेक्टर की डायरेक्शन जो है ये चाहिए। सी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए बेटे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी फिंगर्स को, ये ए वेक्टर था, राइट हैंड मैंने होल्ड किया, ए वेक्टर की तरफ मैंने अपनी फिंगर्स कर ली, फिर इनको मैं बी वेक्टर की तरफ मोड़ लेता हूँ, मेरा थंब अपवर्ड पॉइंट करता है, सो आपका जो है सी वेक्टर इट विल बी परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। फिर से ध्यान दीजिएगा, राइट हैंडेड स्क्रू आप ऐसे जब रोटेट करोगे राइट हैंडेड स्क्रू को, दैट विल बी गेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दैट इज हाउ बेटा वी कैन गो फॉर विद द डायरेक्शन ऑफ द सेम। सो इन दिस वे बेटा आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज करके अपने सी वेक्टर की डायरेक्शन को वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई कैन सी
अंजलि त्यागी मंजोत हर्षप्रीत राघव रमन वंश दिलजीत देवरूर दिया गुरसिमरन हरमन मिताली। सारे स्टूडेंट्स को बेटा समझ आ गया राइट हैंडेड स्क्रू रूल? हाँ जी बेटे चले आगे। फिर अब बेटे देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि इसको हम और किस तरीके से डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको फर्दर हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स को। आइए देखें बेटा, जब आप दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम कैसे कह सकते हैं कि रिजल्ट भी हमारा वेक्टर ही आएगा। एक बार करके देखते हैं। इमेजिन कर लीजिए ए वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैंने वैसे लिख दिया। ऐसे ही मैं बी वेक्टर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेट इट बी 5k कैप। आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए ये डिटर्मिनेंट बेटी ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको बोल देते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, इसमें आप आई कैप देन बेटा जे कैप और के कैप ये आपने अपनी तरफ से लिख लिया, जरा समझ लेना ध्यान से, ये अपनी तरफ से लिखा हुआ। ए वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, आई का 2 जे का 1 के का 1 लिख दिया, खत्म हो गई बात। बी के क्या हैं, इट इज 1 अगेन 1 एंड 5। यस टू वन वन टू वन 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 फाइव वन वन फाइव, क्लियर। अब हमने बेटे देखना है कि इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, राइट। इसको सॉल्व करने का तरीका जरा समझिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालोगे, जब आई कैप आपने ऐसे ही रख लिया, ये जरा देखिएगा ध्यान से, ऐसे में रफली लाइन लगा देता हूं, रफली दिस इंटू दिस ऐसे माइनस दिस इंटू दिस ऐसे। ठीक है, आइए देखें, इट इज आई कैप 1 × 5 5 माइनस 1 × 1 1, ठीक हो गई बात। माइनस साइन आएगा यहां पे जे कैप, अब ध्यान दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन बाई माइनस। एंड अब आप ये जे कैप वाले कॉलम को और इसको छोड़ दीजिए, राइट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दो, 2 × 5 इट विल बी 10 माइनस 1 × 1 इट विल बी 1 बेटा, ठीक। देन बेटे फिर प्लस के कैप, अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ऐसे छोड़ दिया ये कॉलम ये रो, 2 × 1 1 माइनस सॉरी 2 × 1 2 माइनस 1 × 1 1 2 माइनस 1 आ गया बेटा, ये बेटे समझ आ रही है ना। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 − 1 विल बी 4 आई कैप, 10 − 1 विल बी 9 जे कैप, 2 − 1 विल बी 1 के कैप। ये आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, आप इसको सी वेक्टर बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बेटा। तो ये आपका सी वेक्टर इन दोनों के ए और बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहां पे माइनस साइन हमने क्यों लगाया, इस पॉइंट का भी जवाब सुनिए। जब आप ये आई कैप लिखते हो ना, आई कैप के साथ एक टर्म आती है माइनस 1 की पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। जब हमने ऐसे किया था, पहली रो थी पहला ही कॉलम था, तो रो नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 1 कितना हुआ, 2 हो गया ना,
ये टर्म इसके साथ थी, मैंने लिखी नहीं है। मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा होगा ना ये, हाँ, इसीलिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा मैं ज्यादा टाइम भी स्पिल कर रहा हूँ। आई कैप के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होती है, फिर ये आता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे माइनस नहीं डालता, प्लस डाल देता हूँ। यहाँ पे भी टर्म आएगी माइनस वन की पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। जब आपने ये जे वाला दिया था, ये रो नंबर तो वन ही था, कॉलम नंबर कौन सा था, टू, ये पावर थ्री हो गई, टू प्लस वन। इस पावर की वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा था ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ जाइए, क्यों नहीं लिखा, ये के वाला तीसरा कॉलम पहली रो, थ्री प्लस वन विल बी फोर, माइनस वन की पावर फोर विल बी सिंपली वन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अगर तो ये चीज आपको याद रह जाए, समझ आ जाए, बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये समझ लीजिएगा जे के साथ आपने माइनस लगाना है, बात खत्म कर दी, ठीक है। ये आपका सी वेक्टर आ गया। अगर आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए, देन व्हाट इट विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, ऑल अंडर द रूट। और एक बात और याद रखिएगा बेटा, जब आपके दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में बेटा आप ये आपका जो बेटे यूनिट वेक्टर है इसको अकॉर्डिंगली वर्कआउट भी कर सकते हो, और आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चलो यहाँ से निकल ही गया, उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन आ रहा है इस वेक्टर को, खाली इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, फोर का स्केयर प्लस नाइन का स्केयर प्लस वन का स्केयर ऑल अंडर द रूट, उससे आप डिवाइड कर दो, वो सी कैप आ जाएगा ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। सी कैप अगर आपको चाहिए होगा, इट विल बी सी अपॉन सी वेक्टर का मॉड, इट विल बी फोर आई कैप नाइन जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। मैं ये कह रहा था बच्चों कि ये जो आपका सी कैप है ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, जैसे हमने राइट हैंडेड स्क्यू रूल यूज करके डिस्कस किया, राइट बेटा। इसके बाद बेटे छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड, आइए इनके बारे में भी ब्रीफली बात कर ली। ये सारा क्लियर है बेटा, इस तरह बेटा राइट बिगनिंग विद अंजलि एंड लास्ट स्टूडेंट मेरे पास निकाली है, सारे स्टूडेंट्स बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अंजलि हरनूर ख्याति मंजोत एंड प्रभ सिमर, यस बेटा, ओके। आइए बेटे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, इनको भी थोड़ा देखें लिंक करके या डिस्कस करके कि क्या प्रॉपर्टीज हैं और हमें क्या कहती हैं। आपको याद होगा हमने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, देन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई सारा निकाला था हमें, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बारे में बात करनी होगी। करें आई वेक्टर यूनिट क्रॉस अगेन आई यूनिट वेक्टर, हमें पता है ए क्रॉस बी हमारा होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ए ये आपका यूनिट वेक्टर है, वी विल बी हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड बेटा, बी अगेन आपका सेम है वन यूनिट मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल थीटा दोनों में कितना होगा, हाँ? दोनों सेम ही है, थीटा कितना हुआ दोनों में, जीरो, तो इट विल बी साइन ऑफ एंगल जीरो, एन कैप आप साथ में लिख सकते हो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, सो ये जीरो आ गया बेटा आपका, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे सेम तरीके से जीरो आ जाएगा, के क्रॉस के सेम तरीके से जीरो आ जाएगा,
कंपेयर करिएगा, i डॉट i हमारा जीरो नहीं था, i डॉट i वाज वन, j डॉट j वाज वन, k डॉट k वाज वन, ठीक है, और ये आपके सारे जीरो आ रहे हैं। अब आइए थोड़ा बात करके देखें i क्रॉस j की, इट विल बी इक्वल टू i वन है मैग्नीट्यूड वाइज, j वन है, इन दोनों में एंगल कितना है 90 का, इट विल बी साइन 90। और अब थोड़ा सा यहां पे आपको सोचना पड़ेगा, एक मिनट बेटा ये पेन भी देना। ये मान लीजिए आपके तीनों एक्सिस हैं, पेन दीजिए जरा बेटा, थैंक यू। तीनों एक्सिस बेटे मैंने ये देखो आप देख रहे होंगे, एक आपके बिल्कुल सामने कर देता हूं, एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा, इधर को आपका आई है, इधर को जे है, इधर को के है। अब आप आई क्रॉस जे कर रहे थे ना, आई से आप अपने राइट हैंड को होल्ड करके फिंगर्स को आई से जे की तरफ फोल्ड करोगे, किया, ये देखिए ना बेटा, ये आई यही था ना आपका एक्स, ये वाई, ये जेड, मैंने फिंगर्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई कर रहा हूँ, फिंगर्स मेरी एक्स की तरफ चली गई, इनको मैंने वाई की तरफ फोल्ड किया, थंब इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, या स्क्रू रूल यूज कर लो ऐसे, इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये कौन से एक्सिस हैं, जेड, इन एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के, तो मुझे यहाँ पे साथ में के कैप एड कर देना चाहिए उस एन कैप की जगह पर, जो एन कैप आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में, वहां पे आपका के कैप आ जाएगा बेटे। साइन 90 आपका यूनिटी होता है, साइन 00 साइन 91, इट विल बी 1 इंटू अगेन 1 इंटू के कैप, इट विल बी बेटा सिंपली के कैप, सो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप हो गया बेटा। इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट, ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप इट विल बी इक्वल टू आई कैप, ये साइक्लिक में वे से चल पड़ा हूं। अब आपका ध्यान दीजिएगा, आई देन लेट इट बी जे, लेट इट बी के, आई से जे, जे से के से आई, साइक्लिक बन गया ना, आई इंटू ये करोगे ये आएगा, ये इंटू ये करोगे ये आएगा, ये इंटू ये करोगे ये आएगा। सो के कैप क्रॉस आई कैप इट विल बी इक्वल टू जे कैप, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब कहीं उल्टा कर दिया आपने, जे क्रॉस आई करना पड़े तो फिर क्या होगा, वो जे क्रॉस आई डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी। इस चीज को मैं बेटे और तरीके से भी डिपिक्ट कर सकता हूं, आइए देखें, लेट मी कंसंट्रेट अपॉन द वेक्टर्स, लेट अस से दैट दिस इज द ओरिजिन, और आपको ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपने ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आ जाएगा, आपने अपना राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज किया, ए से बी की तरफ फिंगर्स फोल्ड करी, थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड कर दूं, आप अपनी नोटबुक में अपवर्ड लिख सकते हैं, जो भी आपका है आप लिख सकते हैं। अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना पड़े, बी क्रॉस ए बेटा, तो इट विल बी, अब मैं अपना सेम हैंड फिर से होल्ड करूंगा और मेरी फिंगर्स बी से ए की तरफ मैं कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये बी की तरफ मेरी फिंगर्स हैं, इनको ए की तरफ मैंने फोल्ड किया, थंब इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इसका मतलब है कि आपका जो यहाँ पे ये था, इट वाज ए बी साइन थीटा एन कैप था, यहाँ पे बन गया माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, माइनस साइन इंडिकेट करता है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अपोजिट होगी, उल्टी होगी। सो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हो कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट इज नॉट, क्या बोलते हो, कम्यूटेटिव बोलते हो कि क्या बोलते हो, यही बोलते हो ना बेटा,
आपका जो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर जो है इट इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, वहां आपका ए डॉट बी जो था दैट वाज इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपने ऑलरेडी कर लिया। क्लियर पुत्र? एक छोटा सा पॉइंट मेरा रह गया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, देन फिर हम न्यूमेरिकल्स और भी कर सकते हैं। आइए इसको भी देख लें बेटे, ये क्लियर है सबको? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, लेट अस बेटा कंसंट्रेट अपॉन दिस। व्हाट डू वी मीन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट फिजिकली? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट का बेटा क्या है, इमेजिन कर लो, प्लस टू वाले यहीं पे आने लग गए, इमेजिन कर लीजिए आपके पास बेटे ये एक ए वेक्टर है और ये आपके पास एक बेटा बी वेक्टर है, एस एच इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल थीटा है, ऐसे दिया हुआ है आपको, एंड आपने पैरेललोग्राम बेटे कंप्लीट कर लिया, ये देखिएगा पैरेललोग्राम बन रहा है बेटा, ये इसके बराबर वेक्टर और ये वेक्टर इसके बराबर। अब हमने डायगोनल नहीं बनाना, अब हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दिस इज राइट एंगल, आपके पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल का निकाल लें पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेट दिस बी बेटा, ये क्या है पहले का लिखा हो कि अब लिखा है, ओ ए बी सी कुछ ऐसे लिख लो, इसको एल लिख लो, ट्रायंगल ओ एल सी इट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा 1/2, बेस ये वाला, हाइट ये वाला, ठीक है बेटा, इट विल बी इक्वल टू 1/2, बेस आपके पास ए वेक्टर है, हाइट हमारे पास नहीं है कितनी है, हाइट के लिए आप इसको एक्स बोल दो, एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा होगा ना, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, एक्स अपॉन बी इट इज साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा, पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझना आपने इसको, बी साइन थीटा कर देता हूं, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास आ गया 1/2 ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, ठीक है, इसको मैं अगर रहने दूं ऐसे ही राइट साइड को, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, एरिया ट्रायंगल कौन सा था, ओ एल सी, दिस इज 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने निकाला ऐसे, है ना, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर बेटे कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको टू को इधर ले जाऊं, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एल सी, ठीक है जी, है इस ट्रायंगल में आपका ये वाला जो साइड है, ध्यान दीजिएगा ये ट्रायंगल की बात मुझे एल में नहीं लिखना चाहिए था, आई थिंक इसको मुझे ओ सी ए लिखना चाहिए था, है ना बेटा, अब ठीक हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता था कितना है, वो हमने निकाला, ओ लेट इट बी ओ सी एंड ए, ठीक है जी। अब देखो पुत्र, आपका एक ट्रायंगल का एरिया आप डबल कर दोगे तो आपको आपके ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल गई, या आप ऐसे कह लो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कौन सा है, ओ ए सी बी, पैरेललोग्राम में तो दोनों ट्रायंगल्स आ गई, आपने पैरेललोग्राम का एरिया जो है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को कलेक्टिवली पैरेललोग्राम का एरिया कह दिया, सो इन दिस वे बेटे आप इसको सोच सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स जो है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दैट कैन बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ द टू adjoining vectors. Clear बेटे?
इसको एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाकी फिर बेटे कल करते हैं।